नरेंद्र मोदी जी को अपनी कुर्सी से क्यों डर है? अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो फिर क्यों घबरा रहे हो? आप मुझे बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये 5 राज्य के चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, इसलिए उनको घबराहट है। तेलंगाना में जाके कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाके कह रहे हैं कि भाई और बहनों 50 दिन दीजिए, यहाँ भी 50 दिन, फिर 50 दिन लेके फिर क्या करोगे आप? फिर 5 साल जनता दे देगी आपको, फिर 5 साल जनता दे देगी आपको, सिर्फ जनता को उलझाने का काम कर रहे हो आप। बताइए, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं हम चुनाव, हम भी गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर रहे हैं। सोचिए, चुनाव में आप 500 रुपए कर रहे हो, जहां जहां आप जीते हो वहां 500 रुपए क्यों नहीं कर रहे आप? रिश्वत लेते देते क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के ये जो ईडी सीबीआई है, क्योंकि अभी इनके पर्सनल तरीके से काम कर रही है, आप समझिए, जहाँ चुनाव है वहाँ ईडी भेज देते हैं, आप समझ रहे, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है आज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा, इतना बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, अभी तक ईडी वहां क्यों नहीं पहुंची बताइए? मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, आज देश का गला घोटने का काम अगर किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर युवाओं की अपेक्षाओं को मारने का काम किया, युवाओं को एस्पिरेशन का तोड़ने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? आज नरेंद्र मोदी जी को अपनी कुर्सी से क्यों डर है? अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो फिर क्यों घबरा रहे हो? आप मुझे बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये 5 राज्य के चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, इसलिए उनको घबराहट है। क्या हो रहा है? तो क्या आपको लगता है ईडी सीबीआई जो है निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? बिल्कुल नहीं कर रही। अरे मैं बता तो रहा हूँ, ये पिट्टू की तरीके से काम कर रही है, ये नरेंद्र मोदी जी के इशारों पे काम कर रही है। आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर के बेटे की जांच नहीं होनी चाहिए? बताइए आप, हैं? क्यों नहीं है जांच? मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत, मतलब आप ये समझे कि मतलब इतने उस तरीके से हारेंगे ना, ये मैं बता नहीं सकता। 5 राज्य क्लीन साफ है। देखिए, अब राहुल गांधी जी की हवा चल चुकी है, कुछ भी कर लो, कुछ रोक लो। याद रहिए, 5 महीने की जो वो यात्रा थी ना, वो सिर्फ जनता के मुद्दों की बात, जनता के लिए, जनता की इच्छाओं की बात। लेकिन मोदी जी मुल्कों की सरदार बता रहे हैं राहुल गांधी को, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति जो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जाति गणना क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बताइए, फिर भी कुछ नहीं, क्यों घबरा रहे हैं? आप मुझको बताइए, क्या जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी हर 5 साल के अंदर जाति जनगणना करती थी, ये क्यों नहीं कर रहे? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं ना कि हम उनके खिलाफ नहीं है जाति जनगणना के। क्यों नहीं है? क्यों? तो आप अगर नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए? आप जब आदमी के जब चोट लग जाती है ना, तो डॉक्टर के पास जाके एक्सरे कराता है। इस देश के अंदर एक्सरे, तेलंगाना में जाके कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाके कह रहे हैं कि भाई और बहनों 50 दिन दीजिए, यहाँ भी 50 दिन, फिर 50 दिन लेके फिर क्या करोगे आप? फिर 5 साल जनता दे देगी आपको, फिर 5 साल जनता दे देगी आपको, सिर्फ जनता को उलझाने का काम कर रहे हो आप। बताइए, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं हम चुनाव, हम भी गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर रहे हैं। सोचिए, चुनाव में आप 500 रुपए कर रहे हो, जहां जहां आप जीते हो वहां 500 रुपए क्यों नहीं कर रहे आप? बताइए आप, कांग्रेस पार्टी तो 500 रुपए का ऑलरेडी सिलेंडर दे रही है, और यहाँ भी देगी, किसानों को कर्जा माफ करेगी, आप बताइए ना, ये क्यों नहीं कर रहे? जब आप मध्य प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर देने के लिए तैयार हो, तो बाकी जहाँ आप जीते हो वहां क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले वहां इम्प्लीमेंट करो ना, सबसे पहले क्यों नहीं करते आप? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हथकंडे आज मारे। तो 5 राज्यों के चुनाव में मैं कहना चाहता हूँ, अब ये बार बार देखिए वीडियो वायरल चल रही है कि जनवरी में हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जनता को समझ में आ गया, आप राम मंदिर का भी उद्घाटन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, वो आस्था का विषय है, वहाँ पूजा पाठ होगी होगी, मगर मेन जनता के हितों की बात कौन कर रहा है बताइए आप? अच्छा सवाल है, मोदी जी मन से कह रहे हैं मूर्खों का सरदार बता रहे हैं राहुल गांधी को। अरे नरेंद्र मोदी जी खुद है मूर्खों को सरदार, तो उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है देश में। जब मन में आए नोटबंदी कर देते हैं, जब मन में आए GST ले आते हैं। आप बताइए, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है इन चीजों का? 20,000 करोड़ के घर में महल में रहने वाला आदमी, 12,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वाला आदमी क्या मणिपुर नहीं जा सकता? बताइए आप,
इसराइल फिलिस्तीन की बात करते हैं, आज देश में चुनाव चल रहे हैं, बताइए मीडिया क्या दिखा रही है, बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। अरे नरेंद्र मोदी जी फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई उनका कोई साथी स्कूल का कोई क्लास फेलो है, कहां चाय बेची कोई है, बताइए तो सरी। अरे यही है रामलीला मैदान, प्रोपोगंडा रचा गया था, इतने घोटाले निकलेंगे, अभी रुको सरी, पहले 5 राज्य के चुनाव के बाद, मैं बता रहा हूं 2024 में जनता भगाने वाली है इस आदमी को, बता दूं मैं आपको, जनता इतना आक्रोश है ना मैं बता नहीं सकता। अरे बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं उनके पास, करे तो करे क्या, जनता तो खुश है कि मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पायलट बच्चों के, बच्चा पढ़ लिख के पहले पायलट बनता था, आईएएस ऑफिसर की तैयारी करता था, पुलिस ऑफिसर की तैयारी करता था, आर्मी में भर्तियां निकलती थी, रेलवे में भर्तियां निकलती थी, अरे कहाँ है। राजस्थान में मैनिफेस्टो में बीजेपी कह रही है 2.5 लाख युवाओं को नौकरी, पीजी, वो उसी तरीके से, सब उसी तरीके से 2 करोड़ रोजगार के तरीके से। मैं कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी ने इतना काम किया है ना, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दे रही है, बताइए कौन सी गवर्नमेंट दे रही है। मोदी जी कह रहे, अरे मैं पूछना चाहता हूँ, लाल डायरी को ऐसा चुनाव में बटन दबाइए कि दफन हो जाए। ये डॉन है नरेंद्र मोदी, लाल डायरी इनके पास है, इनके काला चिट्ठा निकलेगा लाल डायरी के अंदर, मैं बता दूं। आप मुझको बताइए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर कौन दे रही है, बताइए कौन सी सरकार दे रही है, अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, देख लीजिए राजस्थान में। अरे क्या आप, आपको लगता है आप अशोक गहलोत जी की बराबरी कर सकते हैं, 500 रुपए का सिलेंडर कब से दे रही है कांग्रेस पार्टी, पता है आपको, और ये आप कह रहे हैं हम भी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भाई अब आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो तो पिछले 9 साल क्यों नहीं दिया आपने, ये जनता पूछना चाहती है। 400 रुपए का सिलेंडर हाथ में दिया था कांग्रेस पार्टी ने इनको, उसको बढ़ा के कितना करा इन्होंने, 1200 रुपए, फिर 200 रुपए का। अमित शाह कह रहे वो गारंटी क्या दे जिसके पास खुद की गारंटी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की कोई गारंटी नहीं है, इनके गारंटी कार्ड फेल हो चुके हैं, इनकी वैलिडिटियां फेल हो चुकी हैं, इनकी वारंटी भी फेल हो चुकी है। जनता ने 50 दिन दिए थे, इन्होंने मांगे थे, जनता ने प्यार से 10 साल दे दिए, 10 साल में फेल हो चुके हैं ये। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों से सिर्फ तबाही मचा रखी थी। 70 सालों से, अरे मैं पूछना चाहता हूँ जो इन्होंने किया है 50 सालों के अंदर, आपको पता है किस समय दिया था अंग्रेजों से, 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों से किस तरीके से लड़ाई लड़के ये इस देश को आजाद कराया था। अरे इन्होंने तो गरिमा ही खत्म कर दी भाई, इन्होंने क्या किया है, हमेशा एक ही बात करते रहते, शौचालय बना दिए, वहां बना दिए। अरे भाई शौचालय बना दिए, क्या बना दिया, क्या हो गया शौचालय बनने से, मुझे बता दो। अरे स्वच्छता ये शौचालय बनने से, मैं कहना चाहता हूँ स्वच्छता इनके मन में नहीं है, इनके मन से पहले साफ होनी चाहिए स्वच्छता। अच्छा लास्ट सवाल, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुर्सी पाने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय से हिंसा करवा रही है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है इस देश के अंदर, बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, देश के प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री के सामने हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री को क्या हिंदू का प्रधानमंत्री है, अरे इस देश के प्रधानमंत्री है, उनको ये सोचना चाहिए, कोई से भी मजहब से हो, कोई से भी धर्म से हो, उनके लिए सब बराबर होने चाहिए, इसीलिए जाति जनगणना होनी जरूरी है इस देश के अंदर, एक्स्ट्रा जरूरी है, आप समझिए 20,000 करोड़ का बात थी ना, आज 32,000 करोड़ हो गए, वो कहाँ है, किसके हैं वो जो ये फर्जी सेल कंपनी में घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अब हवा चल चुकी है इस देश के अंदर राहुल गांधी की, अब वो इनसे कुछ नहीं हो, कुछ भी कर लेंगे, देखना आप अभी क्या क्या करेंगे, एक सर के बदले 10 सर लाने की बातें करते रहे, तमाम आज से 10 साल पहले की वीडियो देख लीजिए आप।